हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कोरोना रिलीफ कमेटी ने कुछ दिन पहले ही सांसद हैं तो संसार हैं कार्यक्रम की शुरुआत की थी। हिमाचल कोरोना रिलीफ कमेटी के प्रभारी जीएस बाली द्वारा प्रदेश भर में कोरोना सुरक्षा किट भेजी जा रही है। कमेटी के अध्यक्ष जीएस बाली ने अपने स्तर पर कोरोना मरीजों के लिए सैकड़ों किट्स तैयार करवाई है। ये किट्स कोरोना मरीजों को इलाज के लिए सहायक होगी। 21 मई को सभी जिलों के लिए ये किट्स कांगड़ा से रवाना हुई थी। इसी के तहत कोरोना संक्रमित रोगियों को दी जाने वाली राहत सामग्री की खेप शिमला पहुंच चुकी है, जिसे जिला के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों को सौंपा गया। इनके माध्यम से पंचायतों में इस राहत किट को संक्रमित लोगों में बांटा जाएगा। इस दौरान शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत छाजटा ने इसके लिए जीएस बाली का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन कोविड रिलीफ कमेटी का गठन किया था। कमेटी के प्रभारी पूर्व मंत्री जीएस बाली के द्वारा भेजी गई रिलीफ किट ब्लॉक अध्यक्षों को सौंपी गई है। इनके माध्यम से इन किटों को आगे वितरित किया जाएगा। कोरोना काल में सरकार जहां लोगों को राहत पहुंचाने में असफल हुई, वहीं कांग्रेस पार्टी हर प्रकार से लोगों की सहायता करने में जुटी है। इस दौरान कांग्रेस शिमला शहर इकाई के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने इसके लिए पूर्व मंत्री जीएस बाली का धन्यवाद किया। इन किट्स में हर वो सामान उपलब्ध है जो मरीजों को मददगार रहेगा। ऑक्सीमीटर, डॉक्टरों की सलाह से दी गई दवाएं जैसी किट में रखी गई हैं। राजीव भवन में स्वागत है। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा गांधी हेल्पलाइन जो शुरू की गई थी, उसके माध्यम से राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन कोविड रिलीफ कमेटी का जो गठन किया गया था, जिसके प्रभारी हमारे पूर्व मंत्री जीएस बाली जी को बनाया गया था, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी एवं बाली जी द्वारा उसका शुभारंभ किया गया था। आज इस वक्त में भी जो है लोगों के साथ खड़ी रही है। तो आज मैं जिला शिमला ग्रामीण के जितने भी हमारी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, हमने सभी कंस्टिट्यूएंसीज में अपने ब्लॉक अध्यक्षों को यहाँ पर बुला के ये किट जो है उनको वितरित की है, और उसी तर्ज के ऊपर जो है शिमला शहरी के लिए भी ये किट आई है, और उसके बारे में जो आपको शिमला शहरी के हमारे जो अध्यक्ष हैं जितेंद्र चौधरी जी, वो उसके बारे में आप बात करेंगे। दूसरा साल है और कांग्रेस पार्टी, चाहे कोविड काल का पहला साल था, दिन रात रोड पे रही, लोगों की मदद की, जहां सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठानी थी उसके लिए, चाहे धरना प्रदर्शन करना था या महंगाई के मुद्दे थे, जो महंगाई चाहे पेट्रोल डीजल दालें हर चीज़ आप जानते हैं महंगी हुई, समय समय में कोविड काल में भी कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों पे उतरी है, और साथ के साथ हमने जो जनता के प्रति हमारी जिम्मेवारी है उसे भी निभाया है। चाहे गरीब लोगों की मदद करने की ज़रूरत हो, चाहे फ्रंट लाइन वर्कर्स जो 24/7 काम कर रहे हैं, उसमें चाहे पुलिसकर्मी हैं, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, जल बोर्ड के लोग हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग हैं, और वो लोग जो हेल्थ की फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें भी कोशिश रही कि हम N95 मास्क, सैनिटाइज़र और किसी और तरह की उनको मदद की ज़रूरत थी वो मदद पहुंचाने की हमने कोशिश की। मैं अपनी जो शिमला शहरी की टीम है उसको एक मुबारक देता हूं कि जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रही थी, हमारी टीम ने दिन रात। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।